ये रही केबल कार जो स्नो व्यू को जा रही है करीब नैनीताल का कुछ ऐसा नजारा है अगर हम आज के वेदर की बात करें। हे गाइस, क्या हाल है सभी के? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूँ रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो फाइनली एक अच्छी खबर आई है, शोर की मैंने तरंग लाई जिसने पौधे लगाए थे, अब सुंदर फूल खिल गए हैं। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सॉरी, बड़ा ही सीरियस मूड में रहता है, मेरा समझ में नहीं आता। तो अभी पौधे भी देखते हैं, और पीछे हमारी तृष्णा जो है वो खेल रही है टीचर टीचर। सो ब्लैकबोर्ड मिला नहीं तो दीवार पर ही चौक से लगी पड़ी है। तो अभी पहले ये देखेंगे, फिर घूमने चलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये रहे हमारे बहुत से पौधे जो अभी नए खिले हैं। ये रहे भाई सुंदर से। शौर, इनका नाम तुझे पता है क्या है? रेन लिली कहते हैं ये वाले पौधों को। तो शौर्य को भाई सब पता है, रेन लिली। और ये वाला जो था शौर्य, गार्डेनियम था। ये तो सूख भी गए, लेकिन भाई ये बहुत जल्दी खिल गए। तो भाई कैसा लग रहा है? अब शौर्य एक और चीज़ का डिमांड कर रहा था, क्या कह रहा था? गमले। इतनी सारी स्पेस है, शौर्य कह रहा आगे तक, यहाँ तक और गमले कर देते हैं। लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत हैं। पढ़ाई मत कर। ओरे बाप रे, शौर्य मत कर मत कर, उसे खेलने देना। वाह, कितनी अच्छी ड्राइंग बन गई शौर्य की। अरे वेरी गुड शौर्य, अपनी शक्ल दिखा। वेरी गुड तृष्णा, टीचर टीचर ऐसे खेल रही है। तो अभी क्या कर रहे हो तुम, क्या पढ़ाई कर रहे हो? खेल रहे हो, चलो उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। शौर्य, तेरे ट्यूशन का टाइम भी हो गया, चल अब। कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई थी ना, मस्त एकदम, और एग्जैक्ट लग रहा थी यार ड्राइंग। चलो, तो शौर्य तो ट्यूशन जा रहा है, मार्केट तक तो इसके साथ ही जाऊंगा। इसके बाद हम अपना मस्त घूमने चलेंगे, और शौर्य करेगा पढ़ाई। संडे को करेंगे पानी पूरी चैलेंज। चलो ठीक हो गया फिर, इस संडे को। चलो गाइस, ऐसा करेंगे, इस संडे को हम लोग करने वाले हैं पानी पूरी चैलेंज, और उसमें जीतेगा कौन? मैं शायद। मैं वैसे शौर्य बहुत खा जाता है यार, देखते हैं फिर वो संडे। अभी तो संडे दूर है। हेलो, नीचे उतरो नीचे उतरो। ये ऐसे कार पार्क करता है कोई? चलो नीचे उतरो। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, मैंने उसे नीचे उतार दिया था, उसका पूरा परिवार आ गया। मतलब हाथ धो गए यार। मतलब क्या, कार के ऊपर चढ़ा हुआ था वो भी डॉक्टर्स खा रहे हो। डॉग्स की पूरी गैंग आ गई थी, वो पक्का काट आट लेते, फिर जल्दी से वहाँ से निकलना पड़ा। बाकी रोड पर आते ही देखो कितना ज़्यादा क्राउड दिख रहा है, गाड़ियाँ गाड़ियाँ बहुत सारी दिख रही हैं। शौर्य तो ट्यूशन चला गया, मैं खड़ा हूँ शहतूत के पेड़ के पास। तो ऊपर पेड़ पर बच्चे खड़े हुए हैं और शहतूत तोड़ने हैं यार। अब नीचे नीचे बचे ही नहीं ना कुछ, एक आध मैं भी तोड़ लेता, लेकिन आज भाई मैं वाइट वाला ये शर्ट पहन के आऊँ कि पिछले बार जब मैं शहतूत तोड़ रहा था दाग आग लग गए थे, बड़ी मुश्किल से छूटे हैं यार इसके दाग। उधर तो वो लड़की लगी हुई है वो भाई तोड़ने में, इधर ये बच्चे इधर कार के ऊपर खड़े होकर ही कैसे यार एक के ऊपर एक खड़े होकर कर रहे हैं, ये कैसे तोड़ रहे हैं, लटक कर तोड़ रहे हैं। अभी ऊपर चढ़ा हुआ था वो, नीचे उतर गया, आधे तो लंगूर भी खा गए यार शहतूत इसमें से, अब कुछ ही बचे हैं जो बच्चे ये खा रहे हैं। हाँ यार, यहाँ नीचे तो है ही नहीं, एक आध होता तो ज़रूर मैं भी खाता। ये जैसे ये है ना, ये तो एकदम अभी एकदम नया है, तो ब्लैक होना चाहिए ना, ब्लैक वाला बड़ा सही होता है। अरे एक दिख गया यार, चलो एक तो तोड़ते ही हैं, अगर एक हाथ में आना ज़रूरी है। ये रहा देखो, पर ये हाथ में कैसे आएगा, ये आ गया मेरे हाथ में, छूटना नहीं चाहिए। तो ये रहा देखो, एक एक तोड़ लेते हैं बस, बस मेरे ऊपर ना गिरे इसकी छींट यार। ये देखो ये कैसा हो गया ना, ये भाई देखो रे पूरा ऐसा हो गया जैसे हाथ में ब्लड टाइप होगा। इस बार मैं ज़्यादा लालच नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक से ही संतुष्ट हो जाए। और देखो कलर कैसा हो, पूरा हाथ धोने पड़ेंगे, छूटेगा भी नहीं ऐसे हाथ से। फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ पर रहेगा ज़बरदस्त क्राउड, नैनीताल का ऐसा ही रहता है यार, वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जा रहा है आजकल। हर हिल स्टेशन का सेम ही माहौल चल रहा है, जब भी वीकेंड आ रहा है ना बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है। अब तो क्या है, प्लेन्स के जितने भी एरिया है ना, वहाँ तो अब गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ने लगी हैं, तो जितने भी अब पेरेंट्स हैं भाई, दे आर प्लानिंग टू कम टू ऑल द हिल स्टेशन। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। लेक की तरफ को चलते हैं, आज देखें क्या माहौल हो रहा है। वैसे फुटपाथ बाजार की तरफ से निकलेंगे तो अभी इतना ज़्यादा क्राउड उधर नहीं है, आज शाम को फिर कल और परसों होगा। फुटपाथ बाजार में तो हर वक्त रौनक देखने को मिली जाती हैं। यहाँ देखो ये उड़ाते हुए, और ये बुढ़िया के बाल, कॉटन कैंडी, बुढ़िया के बाल ही बोलते हैं सब लोग, ये बुढ़िया के बाल ही बोलते होंगे, और कॉटन कैंडी जो है सभ्य तरीके से बोले तो। और ये भाई ये सही है मस्ती के लिए। अच्छा एक स्कैम पता है किस टाइप का होता है, जैसे ये भाई ये बेच रहा है ना, इसके पास सबसे लंबा वाला होगा ये गुब्बारा, मतलब ये सीटी वाला जो है,
और बाद में जो हमें मिलेगा ना वो छोटा सा होता है, वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाता, ये हर बार होता है, मैंने देखा है बहुत से लोगों को। चलो कहाँ से चले, यहीं से चलते हैं आगे को। लेक के नज़दीक आ गया हूँ, ठीक मेरे उस तरफ बैंड स्टैंड वाला एरिया है। नैनीताल शहर की USP जो है यहाँ की लेक ही है, हर कोई यहाँ पर बोटिंग करने आता है, कि मतलब सबका रहता है कि लाइफ में एक बार नैनीताल जाना है और बोटिंग करनी है और इस शहर को देखना है, ये सबका एक ड्रीम टाइप है। बहुत से लोगों का नहीं भी है, बट जितने भी लोग पहाड़ सोचते हैं तो नैनीताल ज़रूर एक बार उनके जहन में आता ही है। नैनीताल का कुछ ऐसा नज़ारा है, अगर हम आज के वेदर की बात करें ना, दिन में तो करीब 25 डिग्री के आसपास था और शाम को करीब जो टेम्परेचर है वो करीब जा रहा है 13-14 डिग्री के आसपास। ठंडा तो नहीं है, आने वाले दिनों में भी दूर दूर तक कोई बारिश नहीं है। व्यूवर्स मुझे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि हमारे साथ छोटे बच्चे आ रहे हैं तो किस तरीके के कपड़े लेकर आए। देखो अगर आप दिन में यहाँ पर घूमोगे ना आपको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। यहाँ पर देखो छोटे छोटे बच्चे जितने भी दिख रहे हैं इधर तो ऐसे ही मस्त होकर घूम रहे हैं। इसके साथ क्या है, शाम को थोड़ा सा ठंडा हो जा रहा है तो एक पतला स्वेटर बच्चों के लिए, अगर बच्चे 2-3 साल के हैं तो उनके लिए तो थोड़े गर्म कपड़े लेके ही आना, नहीं तो यार देखो छोटे बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं मस्त, मतलब एक स्वेटर एक सेफ्टी साइड रख सकते हो। बाकी दिन में तो भाई शॉर्ट्स शॉर्ट्स में बच्चों को आप आराम से घुमा सकते हो, दिन में खासी गर्मी है। क्राउड तो ना रेगुलर बढ़ता जा ही रहा है शहर में, पहले एक मिनट में रोड क्रॉस कर लूँ यार फिर बात करता हूँ। तो ठीक हो गया, आप आ गया। तो क्राउड क्या है ना शहर में रेगुलर बढ़ता जा रहा है, रोज़ भीड़ देखने को मिल रही है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा भीड़ होगी। वो जो रोकने वाला सीन है, जो गाइडलाइन आएगी वो भी लागू हो जाएगा। लोग ना रोप वे मिस कर जाते हैं, मतलब कहाँ से जाएं किधर है, क्योंकि एक छोटी सी गली है भाई पता ही नहीं लगता। तो मैं एक छोटा सा लैंडमार्क बताता हूँ, रिक्शा स्टैंड सामने दिख रहा है, जो झोपड़ियाँ टाइप दिख रही है ना वो रिक्शा स्टैंड है। हम थोड़ा सा ऊपर को आ गए हैं तो रिक्शा स्टैंड के ठीक इधर को, और एक और दिखाता हूँ तो ये दिख रहा है ना द लिकर शॉप करके है, तो बार दिख रहा है ना, तो भाई इसके बगल में है। तो चलो दिखाता हूँ, पतली सी गली है ना भाई, मिस कर जाते हैं बहुत से लोग। तो इसके अगल बगल के लैंडमार्क की बात करें ना, एक तो दिख सामने दिख रहा है सेकलेस करके है, तो सेकलेस पेस्ट्री, और इसके बगल में थोड़ा सा और आगे को चले जाएंगे चॉकलेट रूम भी है, तो एक लैंडमार्क ही हो गया। तो ये जो गली अंदर को जा रही है ना, ये भाई ये मत भूलना, नहीं तो यही है मेन चीज़। तो यहाँ से अंदर को जाके रोप वे का रास्ता शुरू होता है, थोड़ा सा चलना पड़ेगा। तो सामने दिख रहा है बोर्ड रोप वे, तो भाई यहाँ से अंदर को जाके है, जो कि मतलब मोर ऑर लेस मतलब लोग ना मिस कर जाते हैं क्योंकि रास्ता बड़ा अजीब सा है ना। और मैं टिकट भी बता दे रहा हूँ, सामने ही लिखा हुआ दिख रहा होगा, देखो एडल्ट कितना है 370 रुपये, ठीक आना जाना इसमें दोनों इंक्लूड है, और बच्चों का 270 रुपये, आना जाना दोनों इंक्लूड है, और 3 to 12 ईयर्स चिल्ड्रंस काउंट होते हैं, मतलब 12 साल से जो ऊपर है फिर वो चिल्ड्रन काउंट नहीं होगा। इसके एक जो चीज़ है फ्री डायनासोर पार्क टिकट इसके साथ है। तो ये रही केबल कार जो स्नो व्यू को जा रही है, करीब 3 मिनट लगता है इसको वहाँ स्नो व्यू पहुँचने में। तो ठीक हो गया फिर गाइज, दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना ज़रूर। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए तेरा शुभ।